हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. आई एम पुष्पिंद पाठक एंड आई विल टेक योर इंग्लिश क्लासेस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक इज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एंड इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इज अ रिनाउंड ऑथर. ही हैज़ डन मैनी राइटिंग्स. Okay, and in this chapter, he is talking about his grandmother, right? The lady of which he is talking is his grandmother. So, portrait means picture. Here, actually, the author is recalling his memory with memory which are associated with his grandmother during his childhood days. Okay, so we will study the story of Khushwant Singh with his grandmother. So let's start reading. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Author कहते हैं कि जो उनकी grandmother हैं, जैसे सभी की grandmother होती हैं, दादियाँ होती हैं, ठीक उसी तरह से वो भी एक बुजुर्ग महिला थी और उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, मतलब झुर्रियाँ थी. लगभग 20 साल से वो इसी तरह से उन्हें जानते थे, अपनी दादी को जब से वो जानते थे, देख रहे थे, वो इसी तरह से चेहरे में रिंकल्स वगैरह थे और वो ओल्ड लेडी थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. और फिर बताते हैं कि लोगों को ऐसा मानना था, ऐसा कहते थे कि जब वो यंग थी तो काफ़ी सुंदर थी और उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता. उन्हें बिलीव करने में ये थोड़ा परेशानी है, वो सोचते हैं ऐसा कि ये बिलीव करने लायक बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ही वो बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. उनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो लाइफ साइज फ़ोटो है, वो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है. उन्होंने एक टर्बन, मतलब पगड़ी पहन रखी है और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखी है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उनके जो चेस्ट का ज़्यादातर जो पार्ट है वो दाढ़ी के कारण छुपा हुआ है, क्योंकि दाढ़ी काफ़ी लंबी है और उनकी उम्र लगभग 100 साल के बराबर है. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और देखने पे वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते हैं कि उनके कोई वाइफ होगी या फिर बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उन्हें देखने पे ऐसा लगता है कि उनके ज़्यादा बहुत सारे grandchildren होंगे, मतलब बच्चे और बीवी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है. पिक्चर पर देखने पे ऐसा लगता है तो वो ग्रैंड फादर ही हो सकते हैं किसी के. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक उसकी grandmother की बात है कि वो young और pretty हैं, तो ये ख्याल थोड़ा सा revolting लगता है उन्हें, मतलब इस पर उन्हें विश्वास नहीं होता है. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें उन games के बारे में बताती हैं जब वो child थी, तब वो खेलती थी, मतलब जब वो बच्ची थी, उनकी दादी बचपन के दिनों में जिन गेम्स के वो खेलती थी वो बताती हैं ऑथर को. दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट्स ही यूज टू टेल अस. और ऑथर को ऐसा लगता है कि जो गेम्स के बारे में वो बताती है वो उन्हें टोटल बकवास लगते हैं और फालतू लगते हैं, और जो बातें करती हैं, जो हमें बातें बताती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो है कोई कहानियाँ हमें सुना रही हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. यहाँ वो बताते हैं कि वो जो है हमेशा से ही हाइट में कम, शॉर्ट और थोड़ा मोटी और स्लाइटली बेंड, हल्की झुकी हुई थी, और उनका जो फेस था वो क्रिस क्रॉस थे, उसमें रिंकल्स बने हुए थे, झुर्रियाँ थी और सिकुड़न थी, जो कि और धारियां बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी पूरे चेहरे में यहाँ से वहाँ.
आपने देखा होगा फेस में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी अक्सर माथे पर इस तरह से लाइन बनती है, फेसेस पर गाल वगैरह झूल आते हैं, ठीक है, झुकने लगते हैं, तो ऐसा ही उनके दादी के साथ था। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जैसा हमने उसे देखा है वो हमेशा उसी तरह से थी। मतलब उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो कभी किसी ज़माने में ब्यूटीफुल भी थी अपने यंग डेज में। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी कि इससे ज़्यादा ओल्ड वो नहीं हो सकती थी, मतलब इससे ज़्यादा बुजुर्ग कोई नहीं हो सकता। और लगभग सेम एज, जो एज उनकी है, इसी एज से वो 20 साल से उसी तरह है, मतलब जैसा वो 20 सालों से देख रहे हैं ठीक उसी तरह वो आज भी हैं बुजुर्ग। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। उनका ऐसा मानना है कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, कभी सुंदर नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स फॉर हर रोजरी। वो बताते हैं कि लेकिन वो खूबसूरत हमेशा से थी, और वो हमेशा घर में, अब वो अभी की प्रेजेंट बात बता रहे हैं, मतलब अभी तो उन्होंने उनके फेस को डिस्क्राइब किया, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। वो बता रहे हैं कि वो अक्सर क्या करती थी, सफ़ेद साड़ी जो विधवा लोग यूज़ करती हैं, तो वो हमेशा सफ़ेद साड़ी में घर में घूमती रहती थी इधर उधर, और उनके हाथ में एक छड़ी होती थी जिससे वो बैलेंस करती थी अपनी बॉडी को, क्योंकि वो हल्की झुकी हुई भी थी। और उनके एक हाथ में हमेशा क्या होता था, माला होती थी जिसको वो हमेशा माला को जपती रहती थी। बुजुर्गों को आपने देखा होगा अक्सर वो माला जपते हैं, तो इस तरह से उनकी दादी जो है थी, एक हाथ में हमेशा छड़ी रहती थी सपोर्ट करने के लिए और दूसरे हाथ में उनके माला होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। जो उनकी चोटियाँ थी, सिल्वर लॉक्स मतलब सिल्वर कलर के जो बाल थे, चोटी थी, वो इधर उधर बिखरे रहते थे, देखने में अनटाइडी लगते थे, और उनका जो चेहरा था वो पेल मतलब पीला कलर का था, और फेस भी जो था उनका वो मतलब काफ़ी इनोसेंस दिखता था उसमें, और जो उनके लिप्स थे वो लगातार इनऑडिबल प्रेयर में चलते रहते थे, मतलब मन ही मन वो कुछ भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ वो ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और वो किस तरह से थी, जिस तरह से विंटर में लैंडस्केप जो नेचर का जो हम वो व्यू देखते हैं पहाड़ों में जो विंटर के दिनों में, ठंड के दिनों में, उस तरह से थी वो। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो जो है शुद्ध पवित्रता की और शांति की और संतोष की जीती जागती क्या थी, एक प्रतिमा थी। नेक्स्ट पैरा, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहते हैं यहाँ पर ऑथर कि मैं और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छे, हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। यहाँ पर दोस्ती का मतलब फ्रेंडशिप के बजाय ये है कि ज़्यादा समय दोनों साथ में रहते थे, और वो ज़्यादा मानती थी उसे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। ऑथर बताते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जब वो शहर गए रहने के लिए तो उन्होंने मुझे दादी के पास छोड़ दिया था। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर अपने धुन में गाती रहती थी, सुबह की जो प्रेयर होती थी, और साथ ही साथ मुझे नहलाती थी और मुझे ड्रेस करती थी, इस उम्मीद में कि मैं भी उसके इन मॉर्निंग प्रेयर्स को सुनूंगा और जो है इसे सीखूंगा और मन से इस पर अमल करूंगा, इसे मानूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। ऑथर कहते हैं कि मैं हमेशा उनको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने उनको लर्न करने के बारे में चिंता नहीं की, कभी नहीं सोचा उन प्रेयर्स को लर्न करने के बारे में।
Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो क्या करती थी, उसकी स्लेट स्लेट को निकालती थी. स्लेट क्या है, एक लिखने का पैड के जैसा रहता था, वो पत्थर की एक बुक जैसी बनी होती थी, उस पर चौक से क्या करते थे बच्चे, लिखते थे. अभी स्टूडेंट उसे यूज़ नहीं करते हैं, उन दिनों में यूज़ किया करते थे. तो वो उसे निकालती थी और येलो कलर से उस पर पेस्ट करती थी. एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, और एक छोटा सा इंक पॉट जिसमें इंक रखते थे वो और रेड कलर का पेन. टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सबको एक बंडल में बांध देती थी, मतलब एक झोले में डालकर वो मुझे देती थी स्कूल जाने से पहले. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद और कुछ बासी रोटियाँ, स्टेल मतलब बासी बासी रोटियाँ और थोड़ा सा उसमें बटर मक्खन और शक्कर डालने के बाद वो क्या करती थी, ये मतलब सॉरी आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, हाँ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ब्रेकफास्ट होता था जिसमें कि मोटी मोटी बासी चपातियाँ होती थी, थोड़ा उसमें बटर और थोड़ा शक्कर डालकर जो उसे देती थी, ऐसा ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और साथ ही जब वो स्कूल जाते थे दोनों, तो उसकी दादी क्या करती थी, अपने साथ में काफ़ी सारी बासी रोटियाँ जो होती थी उसे लेके चलती थी, किनके लिए, जो रास्ते में कुत्ते मिलते थे, विलेज के डॉग्स मिलते थे उनके लिए. नेक्स्ट पैरा, माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. जो ऑथर की ग्रांड मदर थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी, उसका एक रीज़न ये था कि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, मतलब पास में ही टेम्पल था बगल में उसके. द प्रेस टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ के पुजारी होते थे वो हमें मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे और साथ में अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला होती थी वो भी सिखाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scripture. और जब बच्चे जो है वरांदा में बैठे होते हैं दोनों इस पार और उस पार और अल्फ़ाबेट सीखते थे और प्रेयर कोरस में कहते थे, कोरस मतलब ग्रुप में सभी प्रेयर कहते थे, उस समय जो मेरी ग्रांड मदर होती थी तो वो कहाँ बैठती थी, अंदर बैठती थी टेम्पल के, और वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, धार्मिक किताबों को पढ़ती थी. यहाँ पर ऑथर इस बात को आप ध्यान रखें कि ग्रांड मदर भी उनके साथ स्कूल जाती थी, ठीक है, और वो मंदिर में अपना पढ़ती थी धार्मिक किताबें, और ऑथर कहाँ होते थे उन दिनों, ऑथर मतलब बच्चा था क्योंकि, तो वो स्कूल में अपने जो भी स्टडी होती थी वो करते थे. When we had both finished, we would walk back together. जब हम अपना दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, अर्थात उस ऑथर की स्कूल फिनिश होती थी और दादी भी जो किताबें पढ़नी होती थी पाठ वगैरह वो कर लेती थी, तो हम दोनों साथ वापस घर जाते थे. This time the village dogs would meet us at temple door. और उस समय हमें जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के गेट पे मिलते थे जब वो जाने लगते थे घर. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो क्या करते थे, भोंकते थे एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे से लड़ते थे उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें देते थे, उनकी ओर फेंक कर देते थे, और ऐसा करते हुए वो हमारे घर तक हमें फॉलो करते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. और जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से वहाँ सेटल हो गए, अच्छी व्यवस्था उनकी वहाँ हो गई, तो उन्होंने मेरे लिए बुलावा भेजा और वही हमारे फ्रेंडशिप में एक क्या था, टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से कुछ नया मोड़ आपके जीवन में आए, कुछ नई चीज़ हो, ठीक है, व्हेन समथिंग न्यू हैपेंस. तो वो जो समय था जब उन्होंने बुलावा भेजा, तो वो ऑथर और उसकी दादी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होती है. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. अब दोनों ही जाते हैं, दादी और जो ऑथर हैं दोनों ही जाते हैं शहर, हालांकि वो दोनों साथ रहते थे रूम में, लेकिन जो ग्रांड मदर थी अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है, गांव में तो स्कूल के बगल में ही मंदिर था, तो बच्चा स्कूल गया और दादी मंदिर में,
बट जहाँ वो गए शहर में वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो दादी को घर में ही रहना पड़ता था और पोता अकेला ही स्कूल जाता था। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। और ऑथर बताते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ रास्ते में कोई कुत्ते नहीं थे और इस कारण से दादी ने उनके क्या स्टार्ट कर दिया, जो स्पैरोज होती थी, चिड़िया जो होती थी गौरैया, वो उनको जो है आंगन में फिट कराती थी, मतलब दाने उनको डालती थी, उसे वो खाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय गुजरता गया हम बहुत कम ही एक दूसरे को मिल पाते थे, देखते थे, मतलब कम समय हम बैठते थे साथ। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वोक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कई बार वो कभी कभी मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी क्या पढ़ाया गया और मैं उसे बताता था जो भी इंग्लिश के वर्ड सिखाए जाते थे, वेस्टर्न साइंस के और लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी सारी चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये चीज़ें उसे अनहैप्पी करती थी, सुनकर उन्हें आनंद नहीं आता था, खुशी नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी नहीं थी और ये वो साइंस जानती नहीं थी, वो तो साधारण उनको ज्ञान था और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था। अब वो जब उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती थी तो वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। और वो उन चीज़ों पर जो उसे स्कूल में पढ़ाई जाती थी उसके पोते को, मतलब ऑथर को, उन पर बिलीव नहीं करती थी और उस बात से वो परेशान रहती थी कि वहाँ पर कोई भी भगवान या धर्म से लेकर रिलेटेड चीज़ें नहीं बताई जाती, अच्छी बातें नहीं पढ़ाई जाती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने दादी को अपने बताया कि हमें जो है वहाँ पर म्यूज़िक की क्लासेस दी जा रही हैं, म्यूज़िक लेसन पढ़ाए जाते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी परेशान थी। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन। उसके मुताबिक जो था म्यूज़िक था वो सही एसोसिएशन नहीं था, मतलब म्यूज़िक के साथ जुड़ना अच्छा अच्छी बात नहीं थी। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर एंड नॉट मेड फॉर जेंटल्स। को उसका ऐसा मानना था ये जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, ये भिखारियों का काम है, छोटे लोगों का काम है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उसकी साइलेंस थी उससे पता चलता था कि उनका डिसअप्रूवल था, अर्थात वो उस बात के लिए उनकी सहमति नहीं थी, वो इस बात से खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद से वो रेयरली ही होता था जब वो मुझसे बातें करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मतलब स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो उन्हें वहाँ खुद अकेला एक रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। और जो लिंक थी फ्रेंडशिप की दादी और पोते के बीच में, वो उस समय तक टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अकेलापन स्वीकार कर लिया था, अकेला रहना स्वीकार कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वो जो है जो उनका स्पिनिंग व्हील होता था, वो स्पिनिंग व्हील जिससे सूत बनाया जाता है, चरखा उसको बोलते हैं, तो वही होगा यहाँ पर शायद, तो वो उससे कभी कभार ही अलग होती थी और बातें नहीं करती थी, वो कभी बहुत ही कम बात करती थी लोगों से। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और सुबह से लेकर शाम तक वो जो है स्पिनिंग व्हील पर बैठती थी और प्रेयर भी अपना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। और केवल आफ्टरनून में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी कुछ देर के लिए, जिससे कि वो स्पैरोज को क्या कर सके, दाना डाल सके, खिला सके। वाइल शी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स
Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. जब वो उनको दाने डालती थी उन चिड़ियों को, तो सैकड़ों जो पक्षी थी, चिड़ियाँ जो थी, वो वहाँ पर चिरपिंग करती हुई, मतलब चहचहाट करते हुए इकट्ठे हो जाती थी दादी के चारों ओर. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड. कुछ उनमें से उसके पैर पर आकर बैठ जाते थे, कुछ उसके कंधों पर, और यहाँ तक कि कुछ उसके सिर पर. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो हंसती थी लेकिन कभी उसने उन्हें दूर नहीं भगाया. इट यूज़ टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और दादी के लिए उनके वो आधा घंटा जो था पूरे दिन का सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट होता था, सबसे अच्छा समय होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर विदेश जाऊँगा, तो मुझे पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था कि ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट होंगी इस बात को सुनकर. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और मैं जो है 5 साल अलग रहूँगा, और उसके एज में एट हर एज वन कुड नेवर टेल. कोई भी उस समय उनकी जो एज थी, तो कोई भी उनको बता करो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उन्हें. बट माई ग्रांड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. लेकिन मेरी ग्रांड मदर ने ऐसा नहीं किया, मतलब उनको ये बात बताई गई, क्योंकि वो सेंटिमेंटल नहीं थी, वो भावुक नहीं होती थी जल्दी. शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन. और जब उनको ये बात बताई गई तो वो भावुक नहीं हुई, बल्कि वो अपने पोते को अर्थात ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन आई. लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके होंठ जो थे वो प्रेयर उनमें थी, वो लगातार प्रेयर कर रही थी कुछ मन में, और उनके दिमाग में भी प्रेयर ही थी. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी. उनकी जो उंगलियाँ थी वो माला जपने में व्यस्त थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. और चुपचाप उन्होंने मेरे फोरहेड पर, मतलब मेरे माथे को चूमा, और जब मैं वहाँ से जाने लगा, तो वो जो इम्प्रिंट था, वो जो मॉइस्ट, जब उन्होंने किस किया तो उसका जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था, वो जो था लास्ट साइन था उन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट था. मतलब उसके बाद से ऑथर और उसकी दादी, उनके बीच कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था, वो कह रहे हैं, मुझे लगा कि ये लास्ट कॉन्टेक्ट था हमारा, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. वो कहते हैं 5 साल बाद मैं वापस आया और स्टेशन में उनसे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. और वो एक दिन भी सियानी नहीं लग रही थी, मतलब जैसी पहले थी उसी तरह वो उन्हें दिख रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और वो कहते हैं कि उस समय भी उनके पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए समय नहीं था. वो उन्होंने मुझे जब अपनी बाहों में लिया, गले लगाया, उस समय भी मैं प्रेयर सुन रहा था उनके मुख में. उस समय भी प्रेयर थी, उस समय भी वो प्रार्थना कर रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद प्रिवोलस रिब्यूट्स. और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जब मैं फर्स्ट डे आया, तो जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था, उनके दिन का जो सबसे अच्छा समय था, वो वही था. उन जो स्पैरोज होती थी, जो उसके पास आती थी, उनको क्या कराना, फीड कराना. इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर. और शाम को उसमें थोड़ा बदलाव आया, उनमें दादी में थोड़ा बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रे नहीं किया उस दिन. शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एक ओल्ड ड्रम लाया, मतलब ड्रम यहाँ पर बैंड या ढोलक
उसको उन्होंने मंगाया और सिंगिंग स्टार्ट की, वो गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेजिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और घंटों तक जो है, काफ़ी घंटों तक उन्होंने वो ड्रम बजाते हुए, ढोल बजाते हुए सिंगिंग की। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन क्या गाया, जब लोगों के जब जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, बहादुर होते हैं, जब वो घर वापस आते हैं, वो जो गीत गाए जाते हैं घर वापसी पर, वो गीत उन्होंने गाए पड़ोस की महिलाओं के साथ ढोलक बजा कर। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और हमने उन्हें किसी तरह मनाया और ताकि ये जो गाना बजाना है वो बंद करें, जिससे कि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो, मतलब उनको ज़्यादा तनाव ना हो। और यह वो पहली बार ऐसा समय था सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब मैंने ये जाना कि उन्होंने जो है प्रे उस दिन नहीं किया था। पहला वो समय था जब ऑथर को पता चला कि आज जो है उन्होंने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का उन्हें बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि वो जल्द ही चला जाएगा बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने कुछ अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि मेरा अंत जो है वो पास है, करीब है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने बताया कि क्योंकि उसके पास कुछ ही घंटे बाकी हैं उसके जीवन के अध्याय समाप्त होने में, अर्थात ये दुनिया छोड़ने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, और उन्होंने जो प्रे करना है उसको ओमिट कर दिया, मतलब वो बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अपना समय जो है वो हमसे बातें करने में नहीं बेकार करना चाहते थे। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, हमने उनकी बातों को प्रोटेस्ट किया, मतलब असहमति बताई जताई, लेकिन उन्होंने हमारे जो हमने जो ऑब्जेक्शन किए उसको इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांति से बड़े ही पीसफुली बेड पर लेटी रही और प्रेयर करती रही, और जो उनकी माला थी उनका जाप लगातार कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते उनके जो होंठ थे उन्होंने मूव करना बंद कर दिया और जो माला थी उनके हाथ में वो बेजान उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक शांति का शांति भरा हुआ चेहरा उनका था और हम अभी जानते थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, चेहरा उनका शांत सा हो गया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, उन्होंने जैसा रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड में उन्हें लिटाया और उनको एक लाल कपड़े में क्या किया, लपेटा। कुछ घंटों बाद, शोक के कुछ घंटों बाद, हम जो है हमने अरेंजमेंट किए उनके फ्यूनरल के लिए, उनके संस्कार के लिए। और इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रीमेटेड, और शाम को हमने उन्हें क्रीमेट करने के लिए हम उनको लेकर गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था और उसकी जो गोल्डन लाइट थी वो उनके रूम और बरामदा में फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कोर्ट यार्ड, हम जो है जब आंगन में जा रहे थे तो आधे रास्ते पर हम रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और हमने क्या देखा जब हम रुके बरामदा में, तो हमने देखा कि हजारों जो स्पैरोज थी
वो जो है उस जगह जहाँ पर उनकी बॉडी रखी हुई थी लाल कपड़े में लपेटी, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। उन स्पैरोज को जिन्हें वो फीड कराती थी डेली, वो बैठे हुए थे फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर द, और हमें उनको देखकर बड़ा दुख हुआ, उन बर्ड्स को देखकर। तब मेरी माँ ने कुछ ब्रेड उनके लिए लाए, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उस माँ ने उनके क्या कि उस उन ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रेव इट टू देम, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी, उन्हें देती थी दाना, उसी तरह मैंने माँ ने उनके क्या कि ब्रेड लाए, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए और उनकी ओर फेंके खाने के लिए, बर्ड्स की ओर। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उन ब्रेड्स के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम अपनी ग्रैंड मदर को वहाँ से ले गए, उनके शव को वहाँ से ले गए, तो वो वहाँ से चुपचाप उड़ गए, वो पक्षी, अर्थात वो वहाँ पर शोक व्यक्त करने अपना आए हुए थे। उन्होंने कोई दाना नहीं खाया ब्रेड का, और वो वहाँ से चुपचाप चले गए जब उनकी दादी को ले जाया गया वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह जब स्वीपर आया झाड़ू लगाने, तो उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को कहाँ पर डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो इस स्टोरी में हमने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप एक पोते और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में देखा, किस तरह से दोनों का रिलेशन था, एंड उनकी जो दादी थी वो किस तरह से थी, उनका जो नेचर था, कि इवन लास्ट में जो बर्ड्स थे उनको भी जाने का, उनके उन महिला के जाने का दुख उनको भी हुआ। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और एक बार आप इसे खुद से पढ़ें एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट बाय योरसेल्फ, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे एक बार पढ़िए, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।